हेलो भाई नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंदीप कोदारा सर पे आई होप के सारे अच्छे होंगे आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है ग्राम सेव और जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो आपका पटवारी का एग्जाम होने वाला है ठीक है और ग्राम सेव का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो पटवारी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पटवारी का काम क्या होता है पटवारी का काम होता है जो की जमीन होती है उस जमीन का पूरा लेखा जोखा रखना पटवारी के पास होता है जितनी भी भूमि होती है जमीन यानी कि भूमि जितनी भी भूमि होती है उस सारी भूमि का लेखा जोखा पटवारी के पास होता है ठीक बात है जी तो आज इस वीडियो में हम लोग भूमि के प्रकार देखने वाले हैं देखो मुगल कालीन समय में मुगल काल जब होता था भारत के ऊपर मुगलों का शासक होता था उस समय ही भूमि के सुधार को लेकर के भूमि को लेकर के अलग अलग क्योंकि भाई देखो हर जगह जो लड़ाई होती है ना वो मेन लड़ाई जमीन को लेकर के होती है क्योंकि जमीन भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां पर जितनी आय होती है वो जमीन से होती है भूमि से होती है ठीक है तो भूमि को लेकर के स्टार्टिंग से ही शुरू से ही भूमि को लेकर के ही बातें चलती रहती थी तो हम बात करते हैं भाई साहब मुगल कालन में कि भूमि को कौन कौन से भागों में बांटा गया था और कौन सी भूमि क्या काम आती है so all, तो सबसे पहले बात आती है प्यारे बच्चों कि खालसा भूमि किसे कहते हैं सबसे पहले आप लोग लिखोगे भूमि के टाइप में खालसा भूमि अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक like कर देना और शेयर भी कर देना सबसे पहले आप लोग लिखोगे खालसा भूमि खालसा भूमि किसे कहते हैं सर सबसे पहले खालसा भूमि मुगल कालीन समय में भूमि के अलग अलग भागों में बांटा गया था ठीक है सबसे पहले आता है खालसा भूमि भाई खालसा भूमि क्या होती थी यह वह भूमि होती थी जिसके ऊपर पूर्ण रूप से बादशाह का हक होता था है ना वह भूमि होती जो पूर्ण रूप से बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी ऐसी कह पूरा 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 का, का के के भूमि कहा जाता था जिससे होने वाली जो भी आय होती थी जिससे होने वाली वो जो भी आय होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के ऊपर उसके ऊपर अधिकार था बादशाह के पास उसकी पूरी की पूरी आय जो जाती थी वो सुल्तान के पास जाती थी

राज्य के जो विशेष कर्मचारी होते थे है ना तो राज्य के जो विशेष कर्मचारी होते थे उन कर्मचारियों को राज्य के जो विशेष कर्मचारी होते थे प्यारे बच्चों उन कर्मचारियों को वेतन के रूप में कर्मचारियों को वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो जागीर भूमि कहलाती थी ठीक है वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो जागीर भूमि वेतन के रूप में जो उनके कर्मचारियों को राज्य के जो मुख्य कर्मचारी होते थे उनको वेतन के रूप में कुछ भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि के नाम से कहते थे तनख्वाह नहीं देते थे वेतन का मतलब होता है सैलरी सैलरी के नाम पर जो उनको जमीन दी जाती थी वो जागीर भूमि कहलाती थी कौन सी भूमि ये भाई साहब उस समय मुगल कालीन समय में जो धार्मिक क्षेत्र के लिए जो धार्मिक कालो के लिए धार्मिक क्षेत्र के लिए इसको मदद ए मास भी कहा जाता था उस समय इसको कहा जाता था मदद ए मास मदद ए मास के नाम से जानते थे ये जो थी भूमि ये किसी धार्मिक कार्यों के लिए जो अनुदान दी गई भूमि होती थी अनुदान यानी कि दान के रूप में जो भूमि दे, दे थी उसको भूमिते थे भूमि 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 ठीक है इस को मिल्क भी कहा जाता था इस भूमि को कौन से नाम से सरग्यूल भूमि को मिल्क भूमि के नाम से भी जानते थे तो पेपर में आए कि मिल्क भूमि कौन सी है तो सरग्यूल भूमि ही हमारी मिल्क भूमि है कि कौन सी भूमि है प्यारे बच्चों तो ये वो भूमि है जो धार्मिक कार्यों के लिए है ना जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी जाती थी जो धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी जाती थी धार्मिक कार्य के लिए जो अनुदान में दी जाते थी। दान मतलब अनुदान होता है सर जो भूमि डोनेट की जाती थी उसको स्यूर्गल भूमि कहा जाता है ठीक है समझ में आया स्युर भूमि क्या कहा जाता है उसके बाद सर भूमि के और भी टाइप है जिससे अकबर के नौ रत्नों में एक रतन था राजा टो टोडरमल राजा टोडरमल ने क्या किया राजा टोडरमल ने एक पूरी व्यवस्था बनाई जिसको टोडरमल व्यवस्था या उसको आईन ए दहसाला के नाम से जानता है टोडरमल ने ना दहसाला व्यवस्था बनाई थी ठीक है जिसमें वो टैक्स वैक्स लेता था तो उन्होंने भूमि को अलग अलग भागों में बांटा ठीक है तो टोडरमल ने अकबर के शासनकाल अकबर के नौ रत्नों में एक रत्न थे टोडरमल इसको टोडरमल व्यवस्था या इसको दहसाला व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है पूरा नाम है इसका ए दहसाला ठीक है पूरा नाम क्या है इसका आईन ए दहसाला तो आईन ए दहसाला क्या है आईन ए दहसाला किसने बनाई भाई आईन ए दहसाला आईन ए दहसाला यह व्यवस्था बनाई थी टोडरमल साहब ने ठीक है कौन थे भाई अकबर के शासनकाल में अकबर के नौ रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल तो इन्होंने क्या किया भूमि के ऊपर वो टैक्स लेते थे तो उन्होंने ना भूमि को चार अलग अलग भागों में बांटा कौन कौन सा भूमि एक भूमि उन्होंने बांटा कि पोलज भूमि पोलज भूमि ठीक है इन्होंने ये किसने बनाई थी आईन ए दहसाला ये टोडरमल ने बनाई थी भाई किसने टोडरमल ने बनाई

पोलज भूमि ठीक है पोलज भूमि और उसमें कुछ देखो जिसके ऊपर नियमित रूप से खेती नहीं होती थी उसके बाद दूसरी भूमि है प्रति भूमि प्रति भूमि प्रति भूमि कहते हैं तो प्रति भूमि वो भूमि होती थी जिसके ऊपर उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए उसकी फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करने के लिए भूमि को क्या करते थे कुछ समय के लिए छोड़ देते थे उसके बाद खेती करते थे तो जब भूमि को जिस भूमि पर एक या दो साल के एक या दो साल के या वर्ष के टाइम पीरियड में समय अंतराल में खेती की जाती थी एक या दो वर्ष के समय अंतराल में टाइम पीरियड में क्या की जाती थी खेती जो की जाती थी ऐसी भूमि को हम बोलते प्रति भूमि है ना लेयर कह सकते हो तो लेयर एक या दो साल के बाद प्रति भूमि इसको कहा जाता था ऐसी भूमि जिसके ऊपर एक या दो साल के अंतराल में खेती की जाती थी है ना क्यों क्योंकि उसकी फर्टिलिटी रेट को बनाए रखने के लिए अभी भी होता है क्या कुछ समय के लिए भूमि को अगर आप खाली छोड़ देते हो तो उसकी फर्टिलिटी रेट मेंटेन हो जाती है उसमें मिनरल्स वगैरह की मात्रा जो होती है वो परिपूर्ण हो जाती है उसके बाद आता है चाचर भूमि या छर भूमि के नाम से भी जानते थे उसको दूसरी भूमि आती थी चाचर भूमि ठीक है चाचर भूमि फेमस नाम है इसका या इसको छर भूमि के नाम से भी जानते थे ठीक है छछर भूमि जो भी था ऐसे लिखते हैं भाई छचर जो भी लिखते हैं छर भूमि कहते थे मेरे को लिखना नहीं आ रहा बता दे रहा हूँ मैं छर भूमि ये ऐसे भूमि होते थे भाई जिसके ऊपर ना दो या तीन साल के अंतराल में सेम टू सेम सिस्टम था लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था दो या तीन साल का अंतराल होता था कितना टाइम पीरियड होता था दो या तीन साल का समय अंतराल होता था इसका भी पर्पज वही था क्या इसके ऊपर दो तीन वर्षों में खेती नहीं की जाती फिर खेती की जाती फिर दो तीन साल खेती नहीं करता फिर खेती करते ताकि जो भूमि है उसके फर्टिलिटी रेट मेंटेन रहे उसके बाद आती है नंबर चार पे बंजर भूमि ठीक है नंबर चार पर आते प्यारे बच्चों बंजर भूमि तो ये तो आप लोग जानते हो सर बंजर भूमि किसे कहते हैं तो भैया है बंजर भूमि ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती ये ऐसे भूमि होती थी बंजर भूमि जिसके ऊपर कोई खेती नहीं होती थी ठीक है जिसके ऊपर निमन कोटिकिया जिसके ऊपर खेती नहीं होती उसको बंजर भूमि बोलते हैं कोई भूमि बंजर हो जाती है उसके ऊपर क्या नहीं होता खेती नहीं होती सर ठीक है जिसके ऊपर क्या नहीं होता खेती नहीं होती उसको बंजर भूमि के नाम से जानते हैं समझ में आया तो ये भूमि के टाइप से आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ से आपके पर्सन बन सकते हैं उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सर इस बात को ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के साथ ऐसे छोटे-छोटे वीडियो आती रहेगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है भाला और सब्सक्राइब भी कर लेना थैंक यू सो मच बाय टेक केयर